फ्रेंड्स, अक्सर लोग एग्ज़ाम के जब प्रिपरेशन करते हैं तो एग्ज़ाम का तैयारी कम और बर्डन या टेंशन ज़्यादा लेते हैं, लेकिन अगर सुटेबल वे में इस एग्ज़ाम या कंपटीशन का प्रिपरेशन किया जाए तो सफलता अवश्य मिल जाएगी। दोस्तों, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी का हो या एसएससी का हो, गेट का हो या नीट का हो, या आपको बैंक का दे रहे हैं या रेलवे का दे रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए, वो मैं आपको अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ होती है सिलेबस। दोस्तों, जब भी हम कोई भी कंपटीशन या एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होते हैं तो सिलेबस हमें बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से डिसाइड करना होता है, देखना होता है, और हर एक सिलेबस की एक एक पॉइंट्स बिल्कुल हमारे माइंड में पूरी इस तरह से सेट होनी चाहिए ताकि हमें पता चलते रहे कि हमने कितने परसेंट सिलेबस कवर किया है और कितने परसेंट सिलेबस अभी बाकी है। और जो सेकेंड थिंग्स होती है वो मटेरियल्स, कंटेंट्स। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर, कौन सा टॉपिक्स, कौन से बुक से या फिर कौन से जगह से या किस मटेरियल से हमें पढ़ना है। दोस्तों, जैसे मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, एक अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की बातें करें, जो कि फिजिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है और जो कि एच सी वर्मा सर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है कि एक ऐसा प्रॉपर बुक डिसाइड कर सके कि जो वो पूरी तरीके से सूटेबल हो। तो उस कंडीशन में दोस्तों हमें हर टॉपिक के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हमें असाइन करना होता है और हमें खुद से चूज करनी होती है। और दोस्तों, जो थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, जब भी हम क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमें जो भी टॉपिक्स है वो कितने अच्छे लेवल पे हम प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, उस सही लेवल पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चल जाता है। तो जब भी हम तैयारी कर रहे होते हैं उस ड्यूरेशन में हमें साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी बनाते रहने चाहिए ताकि हम खुद को पता कर सकें कि हम एक सही लेवल पे प्रिपरेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों, जो फोर्थ इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जब हम सारे मटेरियल्स पढ़ लेते हैं, सारे सिलेबस कवर कर लेते हैं जो कि हमसे पॉसिबल है, तो उसके बाद दोस्तों एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए हमें प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहिए, और प्रैक्टिस टेस्ट के ड्यूरेशन में बिल्कुल हमें एक सीरियस वे में लेना चाहिए, जो कि एक प्री एग्ज़ाम की तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए और हमें एक अच्छे से उसे देना चाहिए ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप कर सकता है। और दोस्तों, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है और लास्ट जो कि एक फिफ्थ, वो एक जज्बा होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए और वो एक अंदर में फीलिंग्स होनी चाहिए दोस्तों, कि जिस कंपटीशन का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल हमें लगे कि वो हमने ऑलरेडी फाइट कर लिया है। और दोस्तों, वो एक जुनून तब पैदा होती है जब ऊपर अभी जितने भी हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं वो जब हम कवर कर लिए होते हैं, तो दोस्तों वो हमारे अंदर जुनून पैदा होती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने पूरे तरीके अच्छे से कंपटीशन का प्रिपरेशन किया, लेकिन कुछ रीजन या कुछ प्रॉब्लम के वजह से कभी कभी दोस्तों वो अपनी पूरी तरीके से सक्सेस नहीं अचीव कर पाते हैं। तो हो सकता है दोस्तों उस कंडीशन में हम कुछ जैसे आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनआईटीज में मिल जाते हैं, या यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो दोस्तों स्टेट पीएससी में ही रुक जाते हैं। लेकिन जब भी हम कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो दोस्तों हमें माइंड में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर अगर हमने सही तरीके से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट किया हमने, तो अवश्य हम अपने कंपटीशन को सफलतापूर्वक अचीव कर लेंगे। दोस्तों, आखिर लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो अपनी कंपटीशन या एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान ये बस सोच के रह जाते हैं कि ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं। कब तक करोगे आंख बिचौली अपनी ज़िंदगी के साथ, आओ ख़त्म करें इस लंबी अमावस की रात। कब तक करोगे आंख मिचौली अपनी ज़िंदगी के साथ, आओ ख़त्म करें इस लंबी अमावस की रात। एक बार तो पैदा करो अपने अंदर वो जुनून जो दे सके आपको ज़िंदगी भर सुकून। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर घंटी को दबाएं और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।